बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। N24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ रेश नदीम। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं नाज़रीन। बुलेटिन में सबसे पहले रुख करेंगे जी गुलाची का, जहाँ पर 0 पॉइंट के करीब समंदरी तूफान की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो गया। बदीन इंतजामिया की जानिब से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तफसीलात बताएंगे मीर चुनेसर टाल पर, जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। जी मीर चुनेसर बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद है गोलाची के करीब 0 पॉइंट पर, जहाँ पर बेर अरब में बनने वाला समुद्री तूफान की शदीद में मजीद इजाफा हो गया। बदीन जिला इंतजामिया की जानब से समुद्री तूफान की पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया गया और तमाम मुलाजिम की छुट्टियाँ खत्म करके अपने अपने दफ्तर में हाजिर रहने का हुक्म। गोलाची के साहली इलाकों को मैगरी और मैकेनों को महफूज मकाम पर मुनकद होने की हुकूमत जारी कर दिया और मछली का शिकार पर पाबंदी और 144 नफाद माहीगीरी समंदर में मछली का शिकार करने गए हुए हैं उनको भी वापस आने का हुक्म जारी कर दिया। माइकरों के मुताबिक ज़िले इंतजामिया की जानब से माइकरों को समंदर से वापस लाने और माइकरों को महफूज मकाम पर मुनकिद करने के लिए इंतजामिया ने कोई भी इंतजाम नहीं किए। बेर अरब का समंदर इस वक्त तेज़ हवाओं की जिद में है। बाई पर जवाई कराची ठट्ठा और बदीन के साहिलों पर तबाही मचा सकता है। बदीन कराची के जानब के साहिल पर तूफान की शदीद में मुसलसल तेजी आ रही है। माइक्रो खेल समंदर में जाने और मछली पकड़ने से गुरेज करें। बदीन जिले भर और तावका गुलारची में समुद्री हवाओं सिलसिला जारी है अभी तक। जी जी मीर चुनेसर बहुत शुक्रिया। फ्रेश करने का बुक करेंगे जी नारवाल का, जहाँ पर DPO नारवाल राना ताहिर रहमान खान ने सबाई दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज कर दी। DSP जफरवाल की निगरानी में SHO जफरवाल ने 2 मनशियात फरोश अवैस और वसीम के कब्जा से 4 किलो से ज्यादा चर्स बरामद की। DSP हेडक्वार्टर्स की निगरानी में SHO थाना सिटी नारवाल ने 2 मनशियात फरोश इरफान भट्ट और तारिक के कब्जा से 1300 ग्राम चर्स और 4 लीटर शराब बरामद की। SHO नारवाल ने मुलजिम साकिब के कब्जा से पिस्टल 30 पर बरामद किया। SHO सर्ज शकरगढ़ की टीम इंचार्ज चौकी छमाल ने 5 नाजायज असलहा होल्डर्स शाहिद खलील, इरफान उर्फ उस्मान, मंशा, जाबिर अली को गिरफ्तार करके मुलजिमान के कब्जा से 4 पिस्टल, 30 बोर और राइफल 244 बोर बरामद कर लिए। SHO नूरकोट ने भी मुजरिम इश्तिहारी कैटेगरी AB को गिरफ्तार करके पाबंद सलासल कर दिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने कहा कि जिला भर को इस्लाम से पाक करना मेरी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। अब आपको खबर दे रहे हैं जी गुजरावाला से, जहां पर गुजरावाला की आवाम ने हुकूमत की जानिब से जारी करदा बजट को आवाम दुश्मन करार दे दिया। मुझे तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे हमारे नुमाइंदा अमजद शफी से। जी अमजद शफी बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसा आपको पता है कि बजट पेश हो गया है, मुख्तलिफ लोगों की राय ली है, लोगों से पूछ है कि इस बजट में आवाम को क्या रिलीफ मिला है। मुख्तलिफ लोगों ने यह बात की है कि इस बजट में गरीब आवाम के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं कि किसी चीज़ से गरीब आदमी को रिलीफ मिल सके, क्योंकि इसमें अगर रिलीफ मिला है तो अमीर लोगों को मिला है, अगर रिलीफ मिला है तो सरकारी मुलाजमीन को मिला है, गरीब आदमी को क्या रिलीफ मिला है हमें बताएं जी। दूसरी बात यह है कि कोई भी हुकूमत हो, जब बजट पेश होता है गरीब की नज़रें बजट की तरफ होती हैं कि कोई चीज़ें सस्ती होंगी और हमारे घर का गुजारा अच्छे तरीके से होगा, लेकिन अफसोस हुकूमत कोई भी हो बजट सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों के लिए ही होता है, जैसा कि इस दफ़ा भी पेश किया गया है। जी जी अमजद शफी बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही, उसे खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए N24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर शाम के साथ।